7 है, प्रश्न नंबर 17 है। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB शीर्ष कोण X तथा ऊंचाई H रेखा के समान दी है। तीन चीजें दी हुई हैं, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है और एक उसका आधार कोण भी दिया हुआ है। आधार लगा लेना है आपने अपनी मर्जी से, AB आधार लगा लें। ऐसे हमने के AB आधार लगा लिया और एक ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई ले लें साइड में, एक ऊंचाई भी लेनी है। ऊंचाई दी हुई है H, आधार ए भी दिया हुआ है और एक आधार कोण भी दिया हुआ है। तो यहाँ एक आधार कोण भी बना लेना है अपनी मर्जी से, एक आधार कोण भी बना देना है। तो तीन चीज़ें दी हुई हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें बना लेनी है। अब जितना आपने आधार लिया हुआ है, इसका जितना आधार ए भी है, इतना आधार आपने अभी यहाँ लगा लिया है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, आप भी इसको पूरा माप के भी ले सकते हैं, इसे 4 सेंटीमीटर लगा लें। इसका नाम स्मॉल लेटर में लिखें यहाँ AB और ये कैपिटल लेटर में AB लिख दें यहाँ पे। अब अपने इस AB का समविभाजन करना है। ये जो आपका AB है इसका आप समविभाजन कर दें। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, AB लाइन के ऊपर की तरफ थी और AB लाइन के निचली साइड भी आप ऐसे चाप लगा लेंगे। अब ऐसे ही दूसरी साइड पे ए पॉइंट पे जाएंगे और जो चाप आपने लगाई है इसको आपने दो जगह ऊपर और नीचे दो जगह इसको कटेगी। जहाँ कट रहा है वो पॉइंट आपका, उन पॉइंटों को आपने मिलाना है और लाइन को आपने आगे बढ़ाना, ऊपर की तरफ को लाइन को आपने ऊपर की तरफ को बढ़ाना है डॉटेड लाइन। ये पॉइंट आपका पी आ गया। अब आपने इस पॉइंट पे आना है और यहाँ आपने जितना ये कोण बना हुआ है, अब यहाँ प्रकार खोल लें आप अपनी मर्जी से और एक चाप लगा लें। इसे इतनी प्रकार यहाँ खोल के रखनी है, अब चेंज नहीं करनी है और ऊपर की नीचे भी चाप लगा लेनी है ऐसे और ऊपर की तरफ को भी आपने वो चाप को बढ़ाना है, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। अब जितना ये कोण है, ये कोण, ये जितना ये कोण है इसी प्रकार खोलनी है, ऐसे पूरा माप लेना है इसको जितना ये है। अब इतना ही कोण आपने इसके ऊपर ये नीचे की तरफ को ऐसे काटना है। जहाँ कट रहा है उस पॉइंट को ए के साथ मिलाना है और यहाँ एक डॉटेड लाइन आपने लगा लेनी है। ये पॉइंट के साथ मिलाया ऐसे और ये तो ऐसे डॉटेड लाइन लगा लेनी है। जहाँ ये डॉटेड लाइन है, ये पॉइंट आप, ये कोण आपका एक्स आ गया एक्स। अब एक्स ये जो आपकी लाइन बन गई, इसके ऊपर आप अपने 90 डिग्री का कोण बनाना है। अपना प्रोटेक्टर निकाला से सेट किया इस लाइन के ऊपर, जो लाइन है ये पॉइंट है, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर सेट करना है। पूरा ऐसे सेट कर लिया इसको और 90 के बाहर निशान लगा लेना है, पूरा 90 के ऊपर ऐसे। अब इस पॉइंट को आपने फुट्टे की सहायता से इस लाइन को मिलाना है। जो आपने काटी, जो समझी वाली लाइन, वाली लाइन है इसको कटे काटेगा जाके, जहाँ काटेगा वो पॉइंट आपका ओ आ जाएगा। अब ओ से प्रकार खोलनी है, ए तक खोल लो या बी तक खोल लो और एक वृत्त लगाना है आपने। ऐसे चेक कर लिए दोनों पॉइंट पे ऊपर ऐसे, अब इसको आपने लगाना है, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं यहाँ पे। अब जितना आपका ये ऊंचाई दी है उतनी प्रकार खोल लेनी है। ऊंचाई बहुत बड़ी नहीं लगानी है कि आपकी इस लाइन से बाहर ही चली जाए, ध्यान रखें। जितनी आपने ऊंचाई लगाई हुई है उतनी प्रकार खोल लें इससे और ये चाप आपने ऐसे लगानी है, चाप लगा लें इसे। ए पे भी लगा लेनी है और बी पे के ऊपर भी लगा लेनी चाप। अब आपने चाप की बैक साइड को मिलाना है, चाप की बैक साइड को मिला दें यहाँ से। इस लाइन को मिला लें इसे। जहाँ ये लाइन इसके साथ टच करेगी यहाँ, उस पॉइंट को आपने इसके साथ मिलाना है। ये आपके पास एक
त्रिभुज बन जाएगी जिसकी ऊंचाई जो है वो दी हुई है। चाहे इस साइड को मिला लें चाहे इस साइड को मिला लें, ये आपका कौन सी आ गया, ये आपकी एल और एम रेखा आ गई। इस तरह अब आपका ये प्रश्न कंप्लीट है।